सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप 10 मिनट में पैन कार्ड कैसे बना सकते हैं। आपका ओरिजिनल पैन कार्ड ये बनेगा, इंस्टेंट पैन कार्ड आप ये बना सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, फ्री में आपका ये पैन कार्ड बनेगा। तो इसकी पूरी प्रोसेस क्या है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके लिए आपको incometax.gov.in की वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इस वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ आपने इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको शो मोर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ इंस्टेंट पैन कार्ड पे आपने क्लिक कर देना है। अब ये पेज लोड हो जाएगा और आपकी स्क्रीन पे एक नया पेज खुल जाएगा। अब फिर से आप इसमें नीचे आएंगे, यहाँ देख सकते हैं इजी पेपरलेस प्रोसेस, गेट ए पेन विद इन 10 मिनट्स, होल्ड सेम वैल्यू एज फिजिकल पैन कार्ड, ऑल यू नीड इज आधार कार्ड एंड लिंक मोबाइल नंबर। तो दोस्तों, पेपरलेस प्रोसेस ये है, इजी प्रोसेस है, 10 मिनट में आपको ये बन के मिल जाता है। और इसकी जो वैल्यू है, फिजिकल वैल्यू पैन कार्ड की जितनी इसकी वैल्यू है, और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कुछ नहीं, केवल आधार कार्ड चाहिए और जिस मोबाइल नंबर से आधार कार्ड लिंक है वो मोबाइल नंबर आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, इसमें आप नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट न्यू पैन कार्ड का ऑप्शन यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने गेट न्यू ई पेन पे आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं केवल ये 4 स्टेप में ये आप पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने अपने नीचे देख सकते हैं इंटर यूअर आधार नंबर 4 पेन अलॉटमेंट, तो यहाँ आपने अपना आधार नंबर जो है वो आपने यहाँ डाल देना है। तो दोस्तों, आधार नंबर भरने के बाद इसके जो टर्म एंड कंडीशंस हैं वो हम पढ़ लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप आई कन्फर्म दैट के चेकबॉक्स पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों, ओटीपी वैलिडेशन का जो सेकंड स्टेप है उस पर आप पहुंच जाते हैं। यहाँ जो आपका आधार नंबर से मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी भेजने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए भी यहाँ पे आपको एक ये सबमिट करना होगा फॉर्म। तो इसमें आप नीचे आएंगे और यहाँ पे फिर से इसके टर्म एंड कंडीशंस हैं, अगर ये आपको करना होगा तो यहाँ पे आपने चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना है। चेकबॉक्स पे क्लिक करते ही यहाँ पे कंटिन्यू का जो ऑप्शन है उस पर आपने क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आता है जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक है। तो उसमें जो ओटीपी आया है, ओटीपी आप यहाँ सबमिट करेंगे। ओटीपी भरने के बाद आप इसे कंटिन्यू करेंगे, तो ओटीपी यहाँ भर लेते हैं। और ओटीपी भरने के बाद दोस्तों, यहाँ पे फिर से एक चेकबॉक्स है, यहाँ पे आपने फिर से इसे क्लिक कर देना है चेकबॉक्स पे, और उसके बाद इसे कंटिन्यू कर देना है। अब दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूअर पर्सनल डाटा बेस्ड ऑन आधार EKYC, तो उसकी पूरी डिटेल्स आ जाती हैं जो कि आपके आधार कार्ड में है। जैसे कि फ़ोटो आप इसमें देख सकते हैं, नाम देख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी देख सकते हैं। और साथ ही अगर ईमेल आईडी इसमें लिंक नहीं है तो ईमेल आईडी भी आप यहाँ से लिंक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लिंक ईमेल आईडी पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी भरेंगे और सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब आपका जो ईमेल एड्रेस जो आपने यहाँ दिया है उस पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप इसे यहाँ पर सबमिट करेंगे। ओटीपी भरने के बाद आप इसे सबमिट करेंगे, आपका जो ईमेल एड्रेस आपने इसमें दिया है वो भी आपके पैन कार्ड के साथ में लिंक हो जाएगा। अब दोस्तों, आप यहाँ पे इसके जो टर्म एंड कंडीशंस हैं इस पर फिर से आई एक्सेप्ट दैट पे क्लिक करेंगे जो चेकबॉक्स है इसके सामने, और उसके बाद इसे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों, आपके जो ये 4 स्टेप्स हैं ये पूरी हो चुके हैं। आपकी जो पैन कार्ड की जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्नॉलेजमेंट नंबर भी आपको मिल चुका है। और अब आपका दोस्तों जो पैन कार्ड है वो उसकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है। तो अब आपने डाउनलोड कैसे करना है, डाउनलोड प्रोसेस भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए फिर से आप इसी वेबसाइट के होम पेज पर आएंगे और यहाँ इसमें इसी पेज में नीचे आएंगे, शो मोर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ इंस्टेंट पैन कार्ड पे फिर से हम क्लिक करेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं चेक स्टेटस एंड डाउनलोड पैन का एक ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, तो इस पर हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 स्टेप में हम ये अपना जो हमारा पैन कार्ड है इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टेटस चेक करने के लिए या डाउनलोड करने के लिए सेम प्रोसेस है, तो हम यहाँ पे अपना आधार नंबर डालेंगे और इसे कंटिन्यू करेंगे। आधार नंबर डालने के बाद जो ओटीपी आया है, ओटीपी हम यहाँ भरेंगे और फिर से कंटिन्यू करेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 3rd स्टेप इसका है, करंट स्टेटस ऑफ यूअर न्यू ई पैन रिक्वेस्ट का, यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्सेसफुली अलॉट हो चुका है और जो हमारा पैन कार्ड है वो यहाँ से आप देख सकते हैं डाउनलोड करके या यहाँ से डायरेक्ट व्यू भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, या आप यहाँ से देखना चाहते हैं तो व्यू ई पैन पे आप क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं आपका जो पैन कार्ड है वो इस तरह से बन चुका है और इसकी आप फिजिकल कॉपी भी मंगा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन जो आपको ये पैन कार्ड है या फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से डाउनलोड ई पैन पे क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड हम PDF कर लेंगे।
तो दोस्तों इस तरह से आप इंस्टेंट पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और केवल ये 10 मिनट का पूरा प्रोसेस है। 10 मिनट में आप ये पूरा प्रोसेस कर सकते हैं और 10 मिनट में आपका ये पैन कार्ड बनके तैयार हो जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएगा, और पैन कार्ड से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। और दोस्तों अगर पैन कार्ड से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरीके की एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।